दोस्तों दांतों की सेंसिटिविटी को लेकर के आयुर्वेद में बताए कुछ उपचार देखेंगे आज की वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, बात होगी दांतों के बारे में। कहते हैं कि दांत गए तो स्वाद गया। अगर दांतों की केयर करेंगे तो आप जिंदगी का स्वाद ले सकेंगे, खाने पीने का स्वाद ले सकेंगे। अगर दांतों में कोई दिक्कत आ गई तो आप जो है काफी हद तक जो है अपने खाने पीने का स्वाद खो देंगे। तो दोस्तों बेहतर यही है कि जैसे आप अपने शरीर की केयर करते हैं, डेंटल केयर भी बहुत जरूरी है। और अक्सर दांत काफी अनदेखे रह जाते हैं और इनकी आमतौर पर केयर नहीं की जाती है, और उसको ब्रश करना और जो चीजें हैं हम लोग को बचपन से सिखाई जाती है वो तो महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ जो है रेगुलर चेकअप वगैरह करवाने चाहिए। और दोस्तों आज जो हम यहाँ बात करेंगे वो होगी, अगर दांतों में सेंसिटिविटी आ गई है, अगर दांतों का आपका एनेमल जो है ऊपर का एनेमल उतर चुका है, डैमेज हो चुका है और आपके दांत सेंसिटिव हो चुके हैं, आपको गर्म ठंडा लगने लगा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छे प्रयोग बताए गए हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि आप अपने डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं और आपकी जो मेडिसिन चल रही है वो आप ले सकते हैं, और साइमल्टेनियसली जो है साथ साथ ये जो आयुर्वेद में मेडिसिन बताई गई आप इसको भी ले सकते हैं। मेडिसिन कहना गलत होगा, ये घरेलू नुस्खे हैं और ये दोस्तों कुदरत की दी हुई मेडिसिन है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिनकी कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती आपको, और ये इक्वली इफेक्टिव होती है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो दोस्तों ये देख लेते हैं, अगर सेंसिटिविटी आपके दांतों में आ गई है, आपके दांत जो है ठंडे गर्म को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, आप कुछ खा नहीं पाते हैं, जैसे गर्म चाय होगी तो दिक्कत आएगी, ठंडी आइसक्रीम होगी तो दिक्कत आएगी, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला प्रयोग बताया गया है वो तिल के तेल और नारियल के तेल को लेकर के बताया गया है। तिल का तेल या नारियल का तेल दोनों में से कोई एक ले लें, और इसको ऑयल पुलिंग कहा जाता है दोस्तों। इसका एक घूंट जैसे मुंह में थोड़ा सा एक चम्मच डालिए, एक चम्मच डालकर के इसको पूरे मुंह में घुमाएं और इसको काफी देर तक घुमाएं, जितनी देर तक आप घुमा सकें, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर घुमा सकें इसको घुमाएं। ये पूरे आपके मुंह में अप्लाई हो जाए, आपके गम्स पे अप्लाई हो जाए और आपके जो दांत हैं दांतों पे अप्लाई हो जाए, पूरा एनेमल जैसे ढक जाए, और जितनी देर हो सके इसको मुंह में रखें। जब आप महसूस करें कि आप रख नहीं पा रहे तब आप इसको थूक सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑयल पुलिंग आप जितना करेंगे उतना अच्छा है, डेली का रूटीन बना लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, और इसके तुरंत बाद खाना पीना ना खाएं, या खाना पीना खाने के तुरंत बाद जो है ऑयल पुलिंग ना करें, मतलब कि खाने और ऑयल पुलिंग में जो है कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप रखें, ताकि जो आप ऑयल जो आप मुंह में ले रहे हैं उसको अपना काम करने का मौका मिले और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उनको आपके दांत जो है उससे फायदा ले सकें। तो दोस्तों ये तो बात हुई ऑयल पुलिंग की। इसके अलावा दोस्तों गुआवा लीव्स को बहुत अच्छा बताया गया है, जो पत्ते होते हैं अमरूद के, अमरूद का पेड़ बहुत ही कॉमन है, हर जगह मिल जाता है, इसके साफ से पत्ते जो सॉफ्ट पत्ते हैं वो लेकर के आप उनको चबाएं और जितनी देर हो सके चबाएं, दांत जैसे मॉर्निंग में ब्रश कर लिए उसके बाद कुछ खाने पीने से पहले आप ये पत्ते चबाएं और 5-10 मिनट उनको चबाते रहें, उनका रस जो है आपके दांतों में मिक्सअप हो जाए, आपके गम्स पे अप्लाई हो जाए अच्छी तरह से, एनेमल पे अप्लाई हो जाए, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप नहीं रख पा रहे हैं और रोक नहीं पा रहे हैं तो आप उसको थूक सकते हैं, उसके बाद और पत्ते लेके और भी चबा सकते हैं। तो जितना आप इसको करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और दोस्तों एक प्रयोग हल्दी को लेकर के बताया गया है, हल्दी को आप पानी में मिक्स करके अंदाजे से थोड़ी सी हल्दी ले लें और थोड़ा सा पानी ले लें, जैसे एक चम्मच हल्दी ली है, हल्दी पाउडर की बात हो रही है यहाँ पे, एक चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया जैसे, उसमें ड्रॉप्स के हिसाब से पानी डालना शुरू करें, उसकी कंसिस्टेंसी जब एक पेस्ट टाइप की बन जाए, गाढ़ा पेस्ट बन जाए, तो उसमें पानी और ना डालें, उसके बाद उंगली से लेकर के उसको जो है दांतों पे और गम्स पे अप्लाई करें, मसाज जैसे करते हैं इस तरह से अपने दांतों पे और गम्स पे उसकी मसाज करें। और इसमें भी दोस्तों ये ख्याल रखें कि खाने पीने से जो है थोड़ी सी दूरी बनाई रखें, मेरा मतलब कि जैसे आपने खाना खाया है तो उसके तुरंत बाद ये ना करें, या फिर खाना खाने से तुरंत पहले ये ना करें, और खाने के और ये ट्रीटमेंट करने के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए 1-1.5 घंटे का। बात वही है कि आपकी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है आपके टीथ पे और गम्स पे एक्टिव होने के लिए और अपनी एक्टिविटी करने के लिए। और दोस्तों इसके लिए लहसुन को बहुत अच्छा बताया गया है। वैसे तो लहसुन की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, बीपी में काम आता है, हार्ट अटैक तक के लिए जो है बहुत सहायक बताया गया लहसुन को, कि बहुत राहत पहुंचाता है, क्योंकि बात यहाँ दांतों की हो रही है तो आप लहसुन का एक पेस्ट बना लें, या पेस्ट बनाने से ज्यादा बेहतर है आप लहसुन की कली लेकर के उस मुंह में रखें और उसको चबाएं। पेस्ट बना के भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये है कि आप मुंह में लेकर के उसको चबाएं, करीब 2 कलियां ले लें, 3 कलियां ले लें, उसको मुंह में रख के चबाएं
और जितनी देर हो सके उसको जमाने की कोशिश करें और मैक्सिमम यूज उसको मुंह के अंदर जो है घुमाने की कोशिश करें ताकि आपके जितने 32 के 32 दांत हैं उन पे अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। कोई कैविटी है तो उसके अंदर भी वो चला जाए, जो आप लहसुन जो चबा रहे हैं वो कैविटी के अंदर अप्लाई हो जाए, पूरे गम्स पे अप्लाई हो जाए। करीब 10 मिनट इसको चबाएं और उसके बाद जो है आप इसको निगल सकते हैं, निगल लें, अगर थूकना चाहें तो थूक सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्टिविटी भी आप जो खाने पीने से एक दो घंटे पहले ही कर लें या खाने पीने के एक दो घंटे बाद करें, और खाने पीने से मतलब थोड़ा सा गैप इसका होना चाहिए। तो लहसुन की दोस्तों बहुत अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सॉल्ट वाटर को लेकर के एक प्रयोग है दोस्तों, करीब आधे गिलास एक गिलास के आसपास आप गर्म पानी ले लें, थोड़ा सा गर्म हो, और करीब आधा चम्मच उसमें आप नमक मिक्स कर लें और इस पानी से आप जो गार्गल्स करें इसको मुंह में घुमाएं, जैसे ऑयल पुलिंग आपको बताया गया था वैसे इसको अप्लाई करें अपने मुंह में, तो इसके भी दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पानी थोड़ा सा गर्म हो, जितना गर्म गर्म आप सहन कर सकते हैं, जितना गर्म आप मुंह में डाल सकते हैं उतना गर्म पानी हो, उसमें नमक मिला के जो है उसके गार्गल्स करें तो इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने चाहिए। तो दोस्तों कुछ प्रयोग थे जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं सेंसिटिविटी के लिए। तो दोस्तों ये रेगुलर, ये मतलब कोई मिरेकल नहीं है कि दो दिन में इसमें आपको राहत मिल जाएगी, इसको आपको रेगुलर थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, इसको दो चार महीने का टाइम लगता है। तो ये प्रयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दांतों में जो आपकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही आपके कोई कीटाणु है दांतों में वो आपको जो है फ्रेशनेस आ जाएगी, आपकी अगर बैड ब्रेथ है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, सिर्फ एक बेनिफिट नहीं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको करके देखते हैं। जैसे लहसुन अगर आप लेंगे तो आपको जो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों आयुर्वेदिक नुस्खों का यही फायदा होता है कि ये कोई नुकसान नहीं देते हैं, बल्कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो ये एक बीमारी के साथ साथ किसी और बीमारी में भी आपको हेल्प करते हैं, आपको राहत पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आप ये जरूर करके देखें, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन और साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ ऐसे वीडियोस देखने के लिए, शीघ्र ही मिले एक नए वीडियो में एक नई समस्या और समाधान को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाइक बटन प्रेस करें, फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और सी फर्स्ट को एक्टिव करें, और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले।